लो जी, गिल का नया अंदाज, क्विज मास्टर गिल। WTC फाइनल से पहले क्या है ये नया धमाल? सवाल पूछते पूछते क्या गेम खेल रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन? क्विज मास्टर के रोल में क्या शरारत कर रहे हैं शुमन? ये सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं WTC फाइनल से पहले शुमन गिल की इंस्टाग्राम पोस्ट से। तस्वीरों में शुमन के साथ ईशान किशन भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ICC की फोटो को पोस्ट करते हुए गिल ने कुछ दिलचस्प सवाल अपने चाहने वालों के लिए छोड़ दिए। क्विज मास्टर की तरह उन्होंने अपनी पोस्ट पर सवाल पूछा, एनी गैस ऑन द कन्वर्सेशन दैट मेड मी, क्या आप हमारी बातचीत को गैस कर सकते हैं जिसकी वजह से मैं गिर पड़ा? बस फिर क्या था, वही हुआ जिसकी उम्मीद इस सवाल के बाद की जा सकती थी। उनके चाहने वालों का आजकल फेवरेट गेम शुमन लव सारा, शुमन डोंट लव सारा, शुमन लव सारा, शुमन डोंट लव सारा। अब ऐसे में गैस करने की बात कहते गिल ने अपने चाहने वालों की कल्पनाओं को खुला छोड़ दिया। और यहीं से सवाल बनता है, क्या हर पोस्ट में सारा का नाम सुनना चाहते हैं शुमन? इस सवाल के बाद तो सारा सारा होना ही था। एक यूजर ने गैस किया, ईशान ने कहा होगा भाई देख वो सारा। दूसरे यूजर ने जवाब दिया, सारा तेंदुलकर या सारा अली खान। भवेश नाम के यूजर ने चुटकी ली, ईशान बोल रहा है सारा का सारा रन तू अकेले ही मार देगा। किसी को समझ में ना आए इसलिए कैपिटल में सारा भी लिख दिया। मिस निकिता ने कमेंट किया, ईशान बोल रहा है देख भाई तू सेंचुरी मारेगा और तेरे घर पर सारा का रिश्ता आएगा। हाँ फिर दर्श यादव है जिन्होंने येड़ा बनकर पेड़ा खाते हुए लिखा, सब तो ठीक है लेकिन कमेंट्स में सारा का सारा लोग सारा क्यों बोल रहे हैं? मिस खान ने गैस किया, ईशान बोल रहा है देख सारा आ रही है। इस पूरे डिस्कशन में लड़कियों को बहुत मजे आते दिख रहे हैं। मिस मिस्टीरियस ने कमेंट किया, गिल ने कहा देख अदिति। ईशान किशन ने कहा ज्यादा कूल मत बन, सारा भाभी आएंगी तब देखता हूँ। क्यूट सोनाली नाम की यूजर तो इस पूरे डिस्कशन में ऐसा डूब गई, उन्होंने लिखा, ईशान किशन ने लिखा भाई एक सारा तूने पटा ली दूसरी मैं पटा लूं। ये तो सब जानते हैं शुभमन गिल का नाम सारा के साथ जोड़ा गया, पहले सारा तेंदुलकर के साथ फिर सारा अली खान के साथ। लेकिन शुभमन ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को मिस्ट्री ही बनाकर रखा, इसी वजह से सारा अली के साथ नाम जोड़ने के बाद भी सारा तेंदुलकर के साथ नाम उछलना बंद नहीं हुआ। गिल ने जो फोटो शेयर की उसके बाद तो सारे के सारे कमेंट्स में सारा की बाढ़ आ गई, हर कोई मजे ले रहा है। सोलफुल सिड ने लिखा, सोलफुल सिड ने गैस किया सारा भाभी ने स्टोरी लाइक कर सेक्सी बोल दिया क्या? वही ट्रू सिटीजन ने लिखा, ईशान ने कहा होगा तू सारा को देख रोहित के साथ ओपनिंग मैं करूंगा। विराट के फैंस भी इस गैसिंग गेम में कूद गए। गिल ने कहा होगा सारा भी लंदन में है, ईशान किशन बोला होगा रही नहीं जाता तड़पी ऐसी है। फैंस जानते हैं शुभमन गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए लंदन में खूब पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उनके लंदन पहुंचने के कुछ ही दिन के अंदर ही सारा तेंदुलकर लंदन पहुंच गई। आखिर सारा वहीं तो पढ़ती हैं, लेकिन फैंस को लग रहा है कि यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, सारा पर सारा का सारा डिस्कशन चल रहा है। लोग कमेंट कर रहे हैं और कमेंट पर कमेंट भी आ रहे हैं। मनीष साहू ने कमेंट किया, देख सारा के जैसी दिख रही है। वोलमर ने कहा, देख भाई सारा तुझे ही देख रही है। युवराज ने गैस किया, ईशान ने कहा होगा इस बार तो रिश्ता पक्का करने के लिए सेंचुरी सेंचुरी लगानी है भाई। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फोटो पर सचिन तेंदुलकर और अर्जुन के मीम्स भी पोस्ट किए जा रहे हैं, जो बिना कहे बता रहे हैं कि लोग गिल की पोस्ट पर चुटकियां ले रहे हैं। कुल मिलाकर जो गैसिंग गेम क्विज मास्टर शुभमन गिल ने शुरू किया उसमें सारा का नाम ही चमक रहा है, लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या गिल अपनी पोस्ट पर इस तरह की मस्ती के मजे लेते हैं? क्या शुभमन गिल जानबूझकर ऐसे पोस्ट डालते हैं कि लोग सारा का नाम जोड़ दें? एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें पहले तकलीफ होती थी लेकिन अब आदत पड़ गई है। लेकिन गैसिंग गेम की पोस्ट शुभमन की है उसमें शरारत ज्यादा नजर आ रही है, ये जानते हुए कि उनके फैंस का फेवरेट खेल है उनके नाम के साथ सारा का नाम जोड़ना। वैसे क्विज का रिजल्ट क्या होगा तो शुभमन को ही पता है, लेकिन हमें ये पता है कि वो इस क्विज गेम को खेलना चाहते हैं, इसका रिजल्ट घोषित करना नहीं चाहते, और यही वजह है रिलेशनशिप की बात को ना तो एक्सेप्ट करते हैं और ना ही रिजेक्ट करते हैं, यानी कि सारा का सारा सच बोले बिना वो सारा का सारा मजे ले रहे हैं। तो कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी स्टोरी तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और भी कहानियां आपको लगातार मिल सके, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें आपकी राय पता लग सके। याद रखिएगा लव गाथा यानी प्रेम कहानियों का अड्डा।